वो पहुंच गए हैं वीरेश्वर महादेव के पीछे, वहां पे कार पार्क किया और बारिश बहुत ही तेजी से शुरू हो गई है। यही है वो टेम्पल। सो यहाँ पे इन लोगों ने कैंप फायर जैसा कुछ छोटा सा अरेंज करके दिया है, तो थोड़ी देर इधर बैठेंगे, आधा घंटा जितना टाइम स्पेंड करेंगे और फिर सो जाएंगे। डे टू और सुबह के 6:30 हुए हैं, अभी निकल रहा हूँ मैं। जो आपने अभी वीडियो में आगे देखा होगा, जहाँ पे मैं ऊपर व्यू पॉइंट जो यहाँ पे बना हुआ है रिसोर्ट में, वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरे पीछे से ही सनराइज़ होगा, तो ट्राई करता हूँ इसको गोप्रो में टाइम लैप्स कैप्चर करने के लिए। और ये देखिए, बिकॉज यस्टरडे वॉज फुल मून, तो अभी भी वो दिखाई दे रहा है। कल रात को भी नज़ारा काफ़ी बढ़िया था। सो अभी डे टू की भी शुरुआत बहुत ही बढ़िया हो रही है। यहाँ पे आज आसमान बिल्कुल साफ है, क्लाउड्स नहीं है, तो आज हमारा सुबह का जो भी शेड्यूल है वो मोस्टली टाइम पे सभी कवर हो पाएगा। कुछ अरेंजमेंट किया है, गोप्रो को सेटअप किया है यहाँ पे, टाइम लैप्स मोड में भी उसका चालू है रिकॉर्डिंग ऑलरेडी। तो जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया, और जैसे मैंने आगे आपको वीडियो में बताया कि कल दोपहर का जो लंच था, डिनर था, वो काफ़ी बढ़िया था। ब्रेकफास्ट भी काफ़ी टेस्टी और डेलिशियस लगा। तो यहाँ की जो पूरी टीम है, जो लोग यहाँ का किचन जो है वो हैंडल करते हैं, जो हमें इतना अच्छा ब्रेकफास्ट और लंच डिनर बना के फूड प्रिपेयर करके दिया है, वो सभी अभी इधर आए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप लोग इधर आ जाओ, तो आपको एक बार वीडियो में ले लेते हैं। तो उन सबके एक बार नाम और वो लोग हमें बताएंगे कौन कौन है। ये उनकी पूरी टीम है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। क्या नाम भैया आपका? अगन अल्पेश कुमार लाल जी, गांव घाटिया बनी। आप भैया? बड़ा किरण जीवा। अग्निश्वर लाल नाथा जी, गांव भई घाटिया। भई घाटिया। धूलेश्वर हगन। क्या भैया? धूलेश्वर हगन लाल जी। धूलेश्वर भैया। आपका भैया? कटारा सुख भी कांते भाई। अगन नरेश लाल जी। और ये है हमारे पिंटू भाई, ये सब कुछ यहाँ पे हैंडल करते हैं, इन्होंने काफी हेल्प किया। तो इनका पूरा स्टाफ है, इनको भी वीडियो में मैं थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया हमें सर्विस प्रोवाइड किया है और फूड भी काफ़ी बढ़िया दिया है। तो अगर आप कभी पोलो फोर स्टार हो, तो मैंने आगे भी वीडियो में बताया कि आप यहाँ पे आके फूड टेस्ट ज़रूर से कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सो अभी 9:30 हुआ है और हमारे साथ है विशाल भाई, तो ये हमारे गाइड है आज के। हमें फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करवाएंगे, यहाँ की जो साइट सीइंग है, जो जो चीज़ें देखने लायक है, वो सभी हमें आज विजिट करवाएंगे। क्योंकि अभी थोड़े टाइम में यहाँ पे धूप ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अभी ये प्लान में थोड़ा चेंज किया है। पहले ट्रैकिंग के लिए निकले हैं, तो जंगल में थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रास्ते में मेरे को विशाल भाई ने बताया, जो हमारे गाइड है, उन्होंने कि 25-30 किलोमीटर्स के एरिया में पूरा ये जो पोलो फॉरेस्ट या विजयनगर फॉरेस्ट है वो फैला हुआ है। यहाँ से 5 किलोमीटर्स आगे चलते हैं तो विजयनगर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है, और वो जैसे ही क्रॉस करते हो आप 5-7 किलोमीटर्स आगे जाके तुरंत राजस्थान की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है, और वो पूरा ऐसे सर्कुलर टच होके जाती है। तो ये सारी बातें अभी उन्होंने मेरे को बताई। ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो अभी जंगल के अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या आगे देखने के लिए। हाँ विशाल भाई बताए। ये है
15वीं सदी का ये पुल बनाया है। पुल मतलब कि गेट, वो गेट को बनाया है। ये मंदिर सब बनाया है, ये सब तीन तीन मंदिर 15वीं सदी में बनवाया है। ओके, 15th सेंचुरी। यस। ये मेरा साथी है, जब से ट्रैकिंग स्टार्ट किया तब से मेरे साथ आ रहा है। कणजी बोलता है, कणजी बोलते हैं। और उससे क्या बनता है? तेल निकलता है उसको, उससे तेल निकलता है, हेयर ऑयल मतलब। और ये बड़े वाला है, ये महुआ बोलता है, उसका फ्रूट का दारू बनता है देसी। हाँ, महुआ का। हाँ, अल्कोहल में यूज होता है। हाँ, करमदी का पेड़ है। हाँ, उसका फ्रूट आते है, उसका अथाना भी बनता है, खाने में भी कम लगता है। ओके। और फिर भी एक है, वो ब्लैक कलर का बोलते है उसको, टिमरू। टिमरू। हाँ। उसको टिमरू का फ्रूट आते है, वो खाने में काम लगता है, उसके पत्ते की बीड़ी बनती है। टिमरू का पत्ते की बीड़ी बनती है। ओके, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पीसफुल। ये बांबू वाल से। हाँ, बांबू। बांबू। ओके। हाँ। उसके ऐसे करके ऐसे पूरा उसको ऐसे छीलना है। हाँ। ऐसे निकल गया नहीं। हाँ। वो निकल गया तो जहाँ भी लगा होगा वहाँ लगा देना। वो दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा। क्या बात है। यस, ये आयुर्वेदिक दवाई है सर। कहीं पे मतलब कुछ हो गया, कहां भी छिल गया कहीं पे, तो यस। तो ये लगवा दो और दो दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। सो अभी ये जो पॉइंट है इसको सेल्फी पॉइंट बोलते हैं, तो इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है उसके दूसरी साइड पे। ओ, बढ़िया नज़ारा है सेल्फी पॉइंट के ऊपर से। अभी ये वीडियो ले रहा हूँ मैं, ये सामने आप पूरा जो देख रहे हो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, पूरा ग्रीनरी है। ये जो सामने जो दिख रहा है वो पोलो फॉरेस्ट की कैंप साइट है, और ये हरनव रिवर जो जा रही है यहाँ से। ये सामने जो आप यहाँ से जो दिख रहा होगा वो डैम, जहाँ से हम होके आए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सामने, वहाँ से पूरा ये डैम के पास से होके ये ट्रैकिंग करके यहाँ से नीचे उतरे, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ के अभी यहाँ पे आए। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और कोई है ही नहीं आज पोलो फॉरेस्ट में, मतलब ये ट्रैकिंग में सिर्फ हम तीन लोग हैं, हमारे साथ विशाल भाई है। तो गुजरात में सब जगह पर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो लोग कम हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, वेरी पीसफुल। से देखते हैं वो सामने देखो। वो सामने है, वो जैन टेम्पल बोलते हैं। तो उसमें से एक सुरंग बनाया है, वो सुरंग 15वीं सदी में बनवाया है कि यहाँ से 43 किलोमीटर निकलेगी इडरिया गढ़ पे निकलेगी। इतनी लंबी सुरंग है। हाँ। और वो धजाई देखते हैं, धजा जैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर का वो मंदिर बनाया है छोटा एक। वो मंदिर है, उसका पर्वत का नाम है भीमखेड़ियो पर्वत। ठीक है। और ये वाला है, ये मांगो पर्वत बोलते हैं, मांगो पर्वत, ये मांगो जो हमने अभी यहाँ क्लाइम किया वो। तो वहाँ से यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है वो जैन टेंपल है, एंशियंट, जो अभी विशाल भाई ने बात किया 15 सेंचुरी में बनवाया गया टेंपल है ये। तो अभी जो रास्ते से हम आए थे, हम यहाँ से आए थे वॉक करके, अभी यहाँ से दूसरा रास्ता लेंगे, तो यहाँ से नीचे उतरेंगे, जैन टेंपल की ओर जाएंगे और पूरा सर्कल घूम के जहाँ पे हमने कार पार्क किया वहाँ पे पहुँचेंगे। सो थोड़ी थोड़ी धूप अभी ऊपर आने लगी है, पर जब आप पेड़ पौधे के बीच से मतलब गुजर रहे होते हो, जब पेड़ होते हैं आसपास में, तो इतना ज़्यादा धूप लगता नहीं है। तो अगर कभी आ रहे हो पोलो फॉरेस्ट, तो नीचे से सिर्फ टेंपल विजिट करके निकलना मत, यहाँ पे किसी गाइड को ढूंढ लेना, और या अगर आप किसी रिसोर्ट में रुकोगे तो वो लोग आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे ही, तो ये जंगल ट्रैकिंग ज़रूर से करें।
सो इधर से आए अभी वॉक करके अंदर जैन टेम्पल जो है वो थे, जो मैंने ऊपर से आपको दिखाया था 15th सेंचुरी के, पर वहाँ पे अभी रिनोवेशन चल रहा है तो अभी अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि रिनोवेशन होने की वजह से आप अंदर नहीं आ सकते। यहाँ से निकले और अभी ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये रिवर है और यहाँ से ये इसका रास्ता है। तो ये जो रास्ता अभी आप आगे देख पा रहे हो वो टूट गया है। तो अभी विशाल भाई ने मेरे को बताया कि इस बार जो बारिश हुई, काफ़ी हैवी बारिश हुई है इस बार गुजरात में, ये एरिया में भी हुई थी, तो ये जो पूरा रास्ता अभी जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ ना, ये हर जगह पे पानी था, ये पूरा एरिया पानी के अंदर हो गया था कवर। ये सामने जो आप छोटा सा पिलर जैसा देख पा रहे हो वो भी पानी के बहाव से टूट के, उसके फोर्स से टूट के वहाँ पर जाके गिरा है, तो पूरा रास्ता टूट गया था। अभी यहाँ से पानी के अंदर वॉक करके जाते हैं सामने की ओर। सो पोलो फॉरेस्ट का जो मेन गेट था उससे 2 किलोमीटर आगे ड्राइव करके आए और वहाँ से एक लेफ्ट टर्न आता है, वहीं पे साइन बोर्ड है डैम का, हरनाव डैम बोलते हैं इसको। तो ये पीछे अभी जस्ट कार पार्क किया और उसके बाद यहाँ से वॉक करके अंदर जाना है डैम की ओर, तो डैम के पास पहुँच के आपको वहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। सो इट्स 1:30 PM और बढ़िया रहा आज का ये दिन, जंगल विजिट भी काफ़ी बढ़िया रहा, डैम भी देखा और अभी ये जो प्रॉपर्टी है मेरे पीछे पोलो टेंट सिटी एंड रिसोर्ट, वहाँ से निकल रहे हैं, इसको गुड बाय बोलते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लेस अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।